Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Inside Organon shares organon materia and repertory lectures. Itne sare lectures handwritten notes ke saath milte hain kahin? Nahi na? To subscribe karo, bell icon press karo taki aap Inside Organon ke upcoming updates miss na karo. Let's get started. Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. In today's video we will be discussing nurse repertory. ठीक है, nurse repertory के बारे में हम discuss करेंगे. Also friends, if you are following this series of repertory by Inside Organon, do not forget to like this video. इस video को अपने friends और batchmates के साथ college group में एक बार share कर दीजिएगा. I am sure many of the other students will also be benefited from this video. Also friends, do not forget to subscribe Inside Organon and hit the bell icon so that you never miss the upcoming updates. Here it has been mentioned that the जो nurse repertory है, इसका नाम था repertory of herrings guiding symptoms of R materia medica. ठीक है, इसके author का नाम था Calvin Robust Nur. ठीक है, तो Calvin Robust Nur, he was the second son of herring. और इनकी repertory का भी जो पूरा नाम था, that was repertory of herrings guiding symptom of R materia medica. ठीक है, year जब ये पब्लिश हुई थी, that was 1896. एक रिपर्टरी है जो 1846 में पब्लिश हुई थी, वो कौन सी रिपर्टरी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा. नाउ टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ मेडिसिंस, यहाँ पर 408 मेडिसिंस इस रिपर्टरी में इंक्लूड की गई हैं एंड द नंबर ऑफ चैप्टर्स दैट आर इंक्लूडेड आर 48. ठीक है, मेन सोर्स ऑफ रिपर्टरी यहाँ का क्या है, दैट इज हेरिंग्स मटीरिया मेडिका. जो केविन नर थे, इनका बर्थ हुआ था दिसंबर में, 27 दिसंबर को 1847 में, एंड उनकी डेथ हुई थी सितंबर में, 30 सितंबर को, कब, 1940 में. ठीक है, ग्रेजुएटेड, ही वाज ग्रेजुएटेड फ्रॉम फिलाडेल्फिया इन 1869 एंड ही गॉट मैरिड टू मिस मेलिटा पॉलाइन हेरिंग एट द एज ऑफ 27 इयर्स. तो he was a son in law of herring, that means jo melita was the daughter of constantine herring. theek hai, he was married in 1874. famous work ki agar hum baat kare to nurse repertory was published in 1896. he was also the co-editor of 7 volumes of herring's guiding symptoms jo ki publish hua tha 1881 se 1891 mein. ड्रग रिलेशनशिप्स नाम की एक बुक थी जो कि 1936 में पब्लिश हुई थी. रिपर्टरी ऑफ हेडेक वाज पब्लिश्ड इन 1894. ठीक है, द कॉन्वर्सेशन टॉक लाइफ टाइम ऑफ हेरिंग्स वाज पब्लिश्ड इन 1940. ठीक है, तो दीज वर द फ्यू ऑफ द फेमस वर्क्स ऑफ नर. नाउ लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस द प्लान एंड कंस्ट्रक्शन. तो अरेंजमेंट फॉलोज हैनिमेनियन स्कीमा, दैट इज टिल 34th चैप्टर. ठीक है, तो 34th चैप्टर तक डॉक्टर हैनिमन का जो स्कीमा है, दैट वाज फॉलोड एंड द रिमेनिंग चैप्टर रिप्रेजेंट्स द रिएक्शन ऑफ द होल बॉडी. इसमें फर्स्ट चैप्टर माइंड और डिस्पोजिशन है और लास्ट चैप्टर है, दैट इज ड्रग एंड रिलेशनशिप. ठीक है, ऑर्डर ऑफ ऑर्गन वाइज क्लासिफिकेशन अब डाउनवर्ड किया गया है, इनवर्ड से आउटवर्ड किया गया है. ठीक है, फंक्शनल्स फॉलोड बाई ऑर्गेनिक कंडीशन एंड फर्स्ट पार्ट देन होल बॉडी. तो ये है ऑर्डर ऑफ ऑर्गन वाइज क्लासिफिकेशन, जैसे सबसे ऊपर वाले ऑर्गन सबसे पहले और सबसे नीचे वाले सबसे बाद में, या फिर फ्रॉम इनवर्ड्स टू आउटवर्ड्स, या फिर फंक्शनल कंडीशन, फंक्शनल डिस्टर्बेंस से ऑर्गेनिक डिस्टर्बेंस तक. ठीक है, और फर्स्ट पार्ट देन होल बॉडी. मार्क्स ऑफ डिस्टिंक्शन क्या है, इसमें कुछ मार्क्स यूज किए गए हैं. ठीक है, अगर जो दो बोल्ड लाइंस यूज की गई हैं, तो ये सिम्टम्स जो कि बहुत ज्यादा वेरीफाइड है उसके लिए यूज किया गया है. ठीक है, और अगर एक लाइन सिर्फ यूज की गई है और वो बोल्ड है, तो सिम्टम्स आर वेरीफाइड बाय क्योर, मतलब पेशेंट ठीक हो गया और उसके क्योर से ये सिम्टम वेरीफाई किए गए हैं. अगर ऐसे सिम्बल्स यूज किए गए हैं जैसे सिर्फ पतली दो लाइन्स यूज की गई हैं, तो ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली अगर कंफर्म किए जाते हैं जो सिम्टम्स वो है. ठीक है, और अगर
सिर्फ एक लाइन यूज की गई है, तो ये उन सिम्टम्स के लिए यूज की गई है जो कि ऑर्डिनरली वेरीफाइड होते हैं, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग द जेंट्रीज कॉन्कॉर्डेंट रिपर्टरी। इन टुडेज लेक्चर वी हैव डिस्कस द मार्क्स ऑफ डिस्टिंक्शन, द ऑर्डर वाइज क्लासिफिकेशन, प्लान एंड कंस्ट्रक्शन, फेमस वर्क एंड द रेमिड जो रिपर्टरी होती है, नंबर ऑफ रेमिडीज इन नर्स रिपर्टरी एंड ऑल्सो द इंट्रोडक्शन एंड अ बेसिक लाइफ हिस्ट्री ऑफ Gavin Robers-Ner. This was it for today's session. I hope you enjoyed this video. Friends, do not forget to like it and share it with your friends and batchmates. Also, do not forget to like and subscribe Inside Organon and hit the bell icon so that you never miss any updates. Thank you.